कोशिका से संबंधित व्याख्यानों की श्रृंखला में पूर्व में हम कोशिका से संबंधित खोज, कोशिका सिद्धांत और जंतु कोशिका के सामान्य संरचना के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि कोशिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग कोशिका की क्या परिभाषा है, कोशिका के क्या प्रकार हैं और बैक्टीरियल सेल की सामान्य संरचना क्या है। कोशिका की अगर हम परिभाषित करें कोशिका को, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि कोशिका एक ऐसी संरचना है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। कोशिका एक ऐसी संरचना है जो अर्धपारगम्य चयनात्मक सेमी परमिएबल सेलेक्टिव मेम्ब्रेन चयनात्मक झिल्ली द्वारा आबद्ध रहती है, घिरी रहती है और जिसके मध्य में केंद्रक होता है और ये संरचना एक सघन कोलोइडल द्रव से भरी रहती है। तो इस प्रकार की जो संरचना है उसको हम कहते हैं कोशिका। इस परिभाषा के अंतर्गत इसके संगठनात्मक आधार पर जब हम इसे क्लासिफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि दो प्रकार की होती है कोशिका। संगठन के आधार पर जब हम इसको वर्गीकृत करें तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें आते हैं बैक्टीरियल सेल्स और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें आते हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। विशेष रूप से इस आधार पर जब हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि उसके केंद्रक की कैसी संरचना है। ये जो हमने आधार माना है ये किसका है, केंद्रक का, कि केंद्रक का किस प्रकार का संगठन है। अगर वेल डेवलप्ड है, वो एक झिल्ली से आबद्ध है केंद्रक के ऊपर, केंद्रक झिल्ली है और फिर उसमें क्रोमेटिन सब्सटेंस भरे हुए हैं और न्यूक्लियोलस है, इस तरह की जो सुसंगठित संरचना अगर है तो उसको हम कहते हैं कि वो यूकैरियोटिक सेल है। और अगर केंद्रक झिल्ली नहीं है और जो क्रोमेटिन सब्सटेंस है वो नेग्ड पड़ा है साइटोप्लाज्म में, तो हम ये कहते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। जैसा कि हमने अभी देखा कि केंद्रक के संगठन के आधार पर मुख्य रूप से कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल्स पहले हम देखेंगे कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या क्या अंतर हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसमें और क्या क्या उनमें सिमिलरिटीज हैं, समानताएँ क्या क्या हैं। तो दोनों प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, दोनों ही तरह की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है और सुसंगठित वेल ऑर्गेनाइज्ड केंद्रक इसमें पाया जाता है जिसमें क्रोमेटिन सब्सटेंस होता है
और न्यूक्लियोलस होता है और उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अलावा दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रियास पाए जाते हैं जो एटीपी के एटीपी सिंथेसिस करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जितनी भी बायोकेमिकल्स रिएक्शंस हैं, जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, उनमें जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो एटीपी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है और उसका जो सिंथेसिस होता है वो माइटोकॉन्ड्रियाज में होता है। इसके अलावा दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पाए जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स भी पाए जाते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स भी पाए जाते हैं। जैसा भैया देख रहे हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, वैसे इसमें ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं। दोनों ही तरह के सेल्स में गॉल्जी बॉडीज पाए जाते हैं। गॉल्जी बॉडीज प्लांट सेल्स में भी पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें जो गॉल्जी बॉडीज पाए जाते हैं वो उतने हाईली डेवलप नहीं होते जितने एनिमल सेल्स में होते हैं, और उनको हम यहाँ स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि वो थायलेकोइड्स, उनको हम गॉल्जी एपरेटस या गॉल्जी बॉडीज नहीं कहते। इसके अलावा सेंट्रोसोम एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिल्कुल इसके डिफर जो प्लांट सेल है उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। प्लांट सेल्स में बहुत बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जैसे एक सेंट्रल वैक्यूल काफ़ी बड़ा है, ऐसी इस तरह का कोई सेंट्रल वैक्यूल या बड़ी रिक्तिकाएं वो एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते। ये कोशिका भित्ति जो प्लांट सेल में पाई जाती है सेल वॉल, वो सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल यहाँ प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर ये एनिमल सेल पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है, लेकिन प्लांट सेल में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक थिक कोट है जिसको हमने कहा है सेल वॉल। एनिमल सेल में इस तरह के जो थिक कोट हैं वो कभी कभी पाए जाते हैं, जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें जैसे पेलिकल प्रोटोजोन्स हैं उसमें एक थिक कवर पाया जाता है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, वो पाया जाता है। तो जो हायर एनिमल्स हैं उनमें भी कभी कभी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक अपर कोट और होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स और पेलिकल एनिमल सेल्स में पाए जा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो हों। और प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक थिक कोट होता है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, वो उसका आउटर कवर। अब हम देखेंगे एक प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल जो एक बैक्टीरियल सेल है, क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल है उसके जो शेप होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम सब जानते हैं कि वो कई तरह के होते हैं, राउंडेड हो सकते हैं और रॉड शेप हो सकते हैं, वो स्पाइरल हो सकते हैं। तो जो रॉड शेप होते हैं उनको हम बोलते हैं बैसिलस, जो राउंड शेप होते हैं उनको हम बोलते हैं कोकस, और जो स्पाइरल होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइरल। अभी हम जो बना रहे हैं जो एक रॉड शेप बना रहे हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ ये सेल वॉल है।
ये सेल वॉल है इसके चारों तरफ, इसके मध्य में क्योंकि केंद्रक नहीं होता तो जो डीएनए है वो वृत्ताकार होते हैं और कॉइल्ड रहते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसके अलावा कुछ डीएनए के छोटे सेगमेंट और पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल, इसके अलावा जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कहीं कहीं इनर कॉइल्ड होती है, फोल्डिंग्स, इसके इनर फोल्डिंग्स हमें मिलते हैं, इस तरह की संरचना है। इनको हम बोलते हैं मीजोसोम्स। मीजोसोम्स के अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स पाए जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स नहीं पाई जाती तो फ्री राइबोसोम्स पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्री राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि केंद्रक स्पष्ट नहीं है, यहाँ पर नेक्ड है जो डीएनए है, तो एमआरएनए जो होते हैं वो भी साइटोप्लाज्म में फ्री रहते हैं। इसके अलावा टीआरएनए यहाँ पर साइटोप्लाज्म में फ्री पाए जाते हैं, कुछ फ्री एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में रहते हैं। राइबोसोम्स जब प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत होती है तो जो फ्री राइबोसोम्स हैं वो और एमआरएनएस ये संयुक्त रूप से पॉलीसोम बनाते हैं। फ्री जो एमआरएनए हैं उनके साथ राइबोसोम की दोनों यूनिट, स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट, दोनों यूनिट जुड़ जाती हैं और इस तरह की जो संरचना बनती है उसको हम बोलते हैं पॉलीसोम। इसमें राइबोसोम और एमआरएनए दोनों कंबाइंड रहते हैं और इन संरचनाओं को हम कहते हैं राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल्स की तरह ही सीलिया और फ्लैजेला के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। उनके बेसिक स्ट्रक्चर में, उनकी जो मूलभूत संरचना उसमें फर्क होता है, लेकिन उनके जैसी संरचना यहाँ पाई जाती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, उद्भव उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। तो
जब इनका स्टॉक छोटा होता है तो बिल्कुल उसी तरह जैसे यूकैरियोटिक सेल में हम जब स्टॉक छोटा होता है उसका तो हम उसको कहते हैं कि वो सीलिया हैं, तो यहाँ हम इनको कहते हैं ये फिम्ब्रिय हैं या पिलस हैं। फिम्ब्रिय और पिलर। और इसका स्टॉक लंबा है उसको हम कहते हैं, यहाँ फ्लैजेला की जगह हम उसको कहते हैं फ्लैजेला। तो सीलिया और फ्लैजेला की जैसी संरचना यहाँ भी पाई जाती है जिनको हम फिम्ब्रिय या पिलस या फिर फ्लैजेलम कहते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में कहीं कहीं कुछ ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर स्टोरेज ग्रैन्यूल्स के रूप में यहाँ भी पाए जाते हैं। ये स्टोरेज ग्रैन्यूल्स दो तरह के हो सकते हैं, एक वो जो मेटाक्रोमेटिन पार्टिकल्स हैं मेटाक्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स, और दूसरे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। इनको हम पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और PHB मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। और ये जो मेटाक्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स हैं इनको हम वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं। ये दोनों ही तरह के जो ग्रैन्यूल्स हैं ये स्टोरेज ग्रैन्यूल्स हैं। जो मेटाक्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स हैं उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी स्टोर रहती है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स एंड एनर्जी। और जो मेटाक्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स हैं उसमें कार्बन और एनर्जी, कंपाउंड ऑफ कार्बन और एनर्जी स्टोर रहती है। एडवर्स कंडीशंस में ये एनर्जी काम आती है जो स्टोरेज है इसमें। और ये एक सामान्य सी संरचना होती है एक प्रोकैरियोटिक सेल की। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम अंतर देखें जो एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में है सामान्य सा अंतर, तो इसमें प्लांट सेल की तरह सेल वॉल है लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन अलग है, रासायनिक संगठन अलग है। वहाँ पर वो सेल्युलोज और हेमीसेल्युलोज की बनी हुई है, यहाँ पर ये म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी हुई है और इनको हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन्स। इसके अलावा प्लांट सेल की तरह इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल की तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन यहाँ बहुत डिफर है। क्यों? क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में मुख्य बात ये होती है कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर किसी भी संरचना को सेल मेम्ब्रेन से नहीं बनाया गया, कोई भी जो हम कह रहे हैं यूनिट मेम्ब्रेन किसी भी तरह के सेल ऑर्गेनल को यहाँ पर
बना रही नहीं, निर्मित नहीं कर रही है। इसी के कारण यहाँ पर न्यूक्लियस में कोई भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, किसी भी तरह की संरचना जैसे गोल्जी बॉडीज या माइटोकॉन्ड्रियाज यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तो जो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लगभग लगभग सभी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, उनको जगह, उनको साइट प्रोवाइड कराने का जो काम है वो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। पूरा रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम जो यूकैरियोटिक सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रियाज में पाए जाते हैं, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो प्लाज्मिड के रूप में और न्यूक्लियोइड की फॉर्म में यहाँ पाए जा रहे हैं, उनके लिए अटैचमेंट साइट भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड कराती है। यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी कोई संरचना नहीं है, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यहाँ एमआरएनएज और राइबोसोम्स दोनों फ्री रहते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो ये कलेक्टिवली पॉलीसोम जैसी संरचना बनाते हैं जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य किया जाता है। इसके अलावा जो पिगमेंट्स हैं वो इसमें जो पाए जाते हैं वो एक सर्कुलर बॉडीज हैं छोटे छोटे जिनमें पिगमेंट पाए जाते हैं, और इनको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। कुछ गैस वैक्यूल्स यहाँ हो सकते हैं, इसके अलावा गोल्जी बॉडीज के जगह यहाँ स्मॉल सर्कुलर प्रिमिटिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड्स। तो ये कुछ सामान्य सी संरचनाएं होती हैं, कुछ स्टोरेज ग्रैन्यूल्स और यहाँ हो सकते हैं जिनमें फूड स्टोर जैसा रहता है, खाद्य संग्रह के लिए और दूसरी चीज़ों के संग्रह के लिए यहाँ पर कुछ स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भी पाए जाते हैं। और बीच में ये जो सारे के सारे पार्ट हैं, जो भी इसमें स्ट्रक्चर हमें मिल रहे हैं, वो एम्बेडेड रहते हैं साइटोप्लाज्म में। और ये सामान्य संरचना होती है एक प्रोकैरियोटिक सेल की या एक बैक्टीरियल सेल की।